सुभाषित रत्नानानि नास्तीव्या समम चक्षु नास्ते सत्य समम तपः नास्ते राग समम दुःखम् नास्ते च्याग समम सुखम् विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है सत्य के समान कोई तप नहीं है आसक्ति से बड़ा कोई दुख नहीं है और त्याग से बड़ा कोई भी सुख नहीं है शुश्रूषा श्रवण चैवा ग्रहणम धारणम तथा ओहापहा ज्ञानम तत्व सधे गुणा सुनने की इच्छा सुनना ग्रहण करना अर्थात समझना धारण करना अर्थात मन की स्थिरता में धारण तर्क वितर्क अर्थात गुण दोष का विवेचन करना अर्थ का वास्तविक ज्ञान और ज्ञान अर्थात अंतिम रहस्य की प्राप्ति ये सभी बुद्धि के गुण हैं मधुर्यम्क्षर व्यक्ति पदछेदर पाठ पाठका गुना मधुरता मधुर मधुरवाणी बोलना अस्पष्ट उच्चारण करना पदों को अलग अलग करना सुस्वर अर्थात उच्चारण के वक्त अच्छे स्वर का प्रयोग करना धैर्यपूर्वक बोलना लय समर्थ अर्थात वर्णों के सही उच्चारण स्थान का प्रयोग करते हुए बोलना यह चाहा योग्य पाठक के गुण माने गए अनाभ्यासे विषम अजीर्णे भोजनम विषम विषम सभा दरिद्रश्य तरणी विषम ये चार विष के समान है बिना अभ्यास की विद्या अजीर्ण भोजन अर्थात अपच के समय भोजन करना दरिद्रों की सभा और बूढ़े के लिए युवती ये चार विस के समान होते प्रारभ्य ते न खलो न भय नीच प्रारेघ्न निहता विरमति मध्या विघ्नेर मुहुर् मुहोरअपी प्रतिहन्य मना प्रार्धमोत्तम जनह न परित्यजन्ति नीच व्यक्ति विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते मध्यम कोटि के व्यक्ति कार्य प्रारंभ तो करते हैं परंतु विघ्न आने पर बीच में ही छोड़ देते हैं परंतु उत्तम कोटि के व्यक्ति बारंबार बार विघ्न आने के बावजूद भी जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक नहीं छोड़ते अर्थात व्यक्ति को जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए यही तो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं धन्यवाद